आपके साथ बुशरा, सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, बड़ी खबर जहां शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा गांव। दोपहर 1 बजे विशेष विमान से रायपुर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। भारत चीन बॉर्डर पर हुई झड़प में शहीद हुए थे गणेश कुंजाम और आपको बता दें कि रायपुर से गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत चीन झड़प में शहीद हुए जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर आज उनके गृहग्राम लेके जाया जाएगा। दोपहर 1 बजे उनके गांव पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। तो भारत चीन झड़प में शहीद हुए गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर आज उनके गृहग्राम उनके गांव दोपहर 1 बजे पहुंचाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता सुशील सलाम फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, दोपहर 1 बजे रायपुर लाया जाएगा पार्थिव शरीर शहीद जवान का, इसको लेकर अपडेट क्या मिल पा रहे हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचेगा और राजकीय सम्मान के साथ जैसा कि अंतिम विदाई होगी तो कैसा ये पूरा समारोह रहने वाला है? जी बिल्कुल, आउट ऑफ चीन बॉर्डर पर समाप्त हुए शहीद जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर आज लगभग 1 बजे पहुंचेगा रायपुर। हफ्ते जिसके बाद शरीर को उनके आरामा से लाया जाएगा जहां पर उन्हें शहीद से शहीद श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि देने अगर जिले के हरी भूमि से हो या जिला प्रशासन के और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर इसकी आज है, साथ ही सुशील से हालांकि ठीक से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ठीक से हम उन्हें सुन भी नहीं पाए कि कौन कौन उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचने वाला है। बहरहाल दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे।